अगर हम ग्रेवी वाली सब्जी की बात करें तो उनमें से परवल आलू की सब्जी एक है, जिसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा सेहतमंद होती है, क्योंकि इस सब्जी को हम परवल आलू के साथ साथ प्याज के साथ भूनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट लटपटी परवल आलू की प्याज वाली सब्जी, जिसको बनाते बनाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इस स्वादिष्ट सब्जी की रेसिपी को देखते हुए मेरे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू परवल की लटपट सब्जी। जो सब्जी आप अक्सर शादियों या पार्टियों में जाकर खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही स्वाद आपको आएगा इस सब्जी से अगर इस तरीके से आप बनाएंगे, वो भी कम तेल में हम इस सब्जी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम परवल लिया है, जिसके छिलके को मैंने छील लिया है चाकू से। इस तरह से हम इसके दोनों पोर्शन को काट लेंगे और चाकू के हेल्प से इसके छिलके को छील लेंगे। तो मैंने सारे परवल के छिलके को छीलकर पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने दो मीडियम साइज के आलू को भी काट लिया है और धो लिया है, और दो बड़े साइज के प्याज को भी मैंने काट लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक और जीरे का पेस्ट। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम परवल को दो भाग में काट लेंगे, क्योंकि ये छोटे साइज के परवल हैं, तो इस तरह से हम बीच से सिर्फ कट लगा लेंगे। ये देखिए मैंने परवल को काट लिया है, अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में करीब 3 से 4 चम्मच सरसों के तेल डाल लेंगे। तेल हो गया है गरम, इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल लेंगे। जीरा चटक गया है, इसमें हम पहले परवल को फ्राई कर लेंगे। करीब 1 मिनट तक भूनने के बाद हम परवल को एक प्लेट से कवर कर देंगे, ताकि परवल जो है वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। कवर हटा लेंगे, फिर से एक बार चला लेंगे। परवल जो है वो भूनने के साथ साथ थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे आलू। तो हमें परवल को भून के अलग नहीं निकालना है, इसके साथ ही हम आलू को भी भून लेंगे। बहुत ही शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रही हूँ सब्जी बनाने का। वैसे तो शादियों में जो सब्जी बनती है, पहले तो परवल को फ्राई करके निकाल लिया जाता है, फिर अलग से फिर आलू को उससे भुना जाता है। तो ऐसे में तेल बहुत ज़्यादा लग जाता है और सब्जी भी बहुत ऑयली हो जाती है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप ये तरीका अपनाएं। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, आसान तरीका है सब्जी को टेस्टी बनाने का, और हमारा हेल्थ भी सही रहेगा, हम ऑयली खाना खाने से बचेंगे। तो यहाँ पे हम परवल के साथ साथ आलू को भी फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक आलू को भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। सभी चीजों को हम एक बार फिर से भून लेंगे। प्याज हमारा भून गया है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अब हम वापस से सब्जी को मिक्स करके भून लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसान तरीके से ये सब्जी बन रही है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है और समय भी बहुत कम लगता है इस तरह से सब्जी बनाने में। और सब्जी जो बनकर तैयार होती है वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब हम वापस से प्लेट से कवर कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम कवर हटा लेंगे, चला लेंगे एक बार। तो सारी चीजें हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पेस्ट, हल्का सा पानी डाल लेंगे हम इसके अंदर, चला लेंगे एक बार। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्का सा पानी और डाल लेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। 2 मिनट तक हम मसालों के साथ और भून लेंगे, ताकि मसाले जो है वो अच्छे से पक सके। अब इसमें 1/2 कप पानी डालकर ढककर सब्जी को 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटा लेंगे हम। तो सब्जी देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है। परवल हमारा पक गया है, देखिए इजली कट हो जा रहा है। आलू भी पक गई है, ये देखिए इजली कट हो जा रही है। अब हम गैस को कर लेंगे बंद। मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल ले रही हूँ।
तो ये लीजिए तैयार हो गई स्वादिष्ट लटपट परवल आलू की प्याज के साथ बनी हुई सब्जी, जिसको आप अगर एक बार खाएंगे तो अपने फैमिली मेंबर को जरूर खिलाना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आप इस आलू परवल की सब्जी को अपने घर में बनाएं और इसके स्वाद का लुफ्त अपनी फैमिली मेंबर के साथ उठाएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। रेसिपी की कंप्लीट डिटेल चैप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। साथ ही साथ रेसिपी का लुफ्त उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।